दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आया होगा और उसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। तो खैर, कर आपने आपसे एक सवाल पूछा था भी, अगर मतलब यूपी वाला एक कहानी सुना रहा है हजूर पिताजी की, कि भी अपने देश में धनाढ़ जो नंबर रखते थे वो भी हजूर पिताजी के पास आए, और कैसे वो अपनी परेशानी लेके आए और कैसे हजूर पिताजी ने वो परेशानी दूर की। हालांकि ये यूपी वाला जो है ये उस कहानी को बदल देता है, फिर भी हमने कहा भी चलो सोचो अगर आज की डेट में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो आप कल्पना करके देखिए। दूसरा एक वीडियो आया है आज, अभी ज़्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ है, घंटा दो घंटा पहले ही शायद आया है। तो उसमें ये यूपी वाला है जो मोटू है, एक क्योंकि दो तीन है ये, मोटू है एक पतलू है। तो जो मोटू है वो ट्रैक्टर चला रहा है और ट्रैक्टर चलाते हुए उसने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं। तो जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो खेती बाड़ी जानते हैं, हालांकि मैं तो नहीं जानता हूँ, तो मुझे लगता है मेरी और जो शहरी लोग हैं उनकी खेती बाड़ी की नॉलेज एक बराबर ही होगी, लेकिन जो गाँव के लोग हैं और खेती बाड़ी के जो ट्रैक्टर वगैरह ये चलाते रहते हैं, उनको वो उस वीडियो को देख के बहुत कुछ समझ में आया होगा। नहीं भी समझ आया तो जितना मेरे समझ में आया, मैंने पूछा है या मुझे बताया जिन्होंने, किसानों ने, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आपने ये तो सुना ही होगा, अभी 7 साल की उम्र से हजूर पिताजी ट्रैक्टर चलाने लग गए थे और लगभग 2017 तक भी पिताजी के वीडियोस आते रहे ट्रैक्टर चलाने के, और काफ़ी खेती पिताजी ने की। और जब किसी के पास ट्रैक्टर नहीं होता था तब भी पिताजी के पास ट्रैक्टर था, जीटर जिसे कहते हैं, पिताजी कहते थे जीटर। हालांकि मुझे नॉलेज नहीं है ट्रैक्टर्स की इतनी, पर जीटर ट्रैक्टर पिताजी कहते होता था हमारे पास जब किसी के पास ट्रैक्टर नहीं होता था। तो उसके अलावा पिताजी को खेती करते बहुत बार देखा है, बहुत सारे वीडियोज़ आपको पिताजी के खेती करते के मिल जाएंगे। और आज का ये वीडियो जो यूपी वाले नौटंकी ने बनाया है, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और आवाज़ साफ़ नहीं आ रही बोल रहे हैं, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा आवाज़ का, मेरे हिसाब से तो साफ़ आनी चाहिए। आप एक बार आवाज़ कंफर्म करना मुझे, कई बार मजाक में भी लोग बोल देते हैं। आवाज़ एक बार साउंड चेक कर दीजिएगा प्लीज़। वॉइस क्लियर नहीं है, रिपीटेड है, इको आ रहा है। अभी देखिएगा भाई आवाज़ दोबारा, जी सही आ रही है आवाज़, वो शायद कोई प्रॉब्लम हो बीच में। चलिए, तो क्या है कि जो ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, चलो हम पहले टाइटल लिखा है हमने आज के, अजीबोगरीब लगता होगा लेकिन ये किसानों की भाषा का ही लिखा है टाइटल। एक्चुअल में क्या है, मुझे तो पता नहीं, एक किसान ने मुझे बताया कि जब बैलगाड़ी चलती है तो उसमें बैल जोते जाते हैं और बैल को पेशाब आ जाए चलते चलते, तो वो चलते चलते पेशाब करता है तो छींटे पड़ते हैं सड़क पे, कभी इधर ऐसे छींटे पड़ते जाते हैं। तो ऐसे ही कहते जो ट्रैक्टर है, जब ये जो खेत को जोता जाता है, तो पंखे से आवाज़ आ रही है, पंखा तो चला ही नहीं रखा है जी, जस्ट अभी देखिएगा। तो कहते ट्रैक्टर से जब खेत जोतते हैं तो खेत बिल्कुल सीधा जोता जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट,
और अगर वो इधर उधर हिलने लगे ट्रैक्टर, तो जो किसान हैं वो मजाक उड़ाते हैं ऐसे किसान का जिसको ट्रैक्टर ढंग से चलाना ना आता हो, तो वो उसका कंपैरिजन करते हैं बैल के पेशाब करने से कि मुंह तो धारी जैसे, मतलब अलग अलग इससे निशान पड़ते जाते सड़क पे, इसी तरह ट्रैक्टर ऐसे ऐसे जा रहा है यूपी वाले का। तो अब यही चीज़ आपको समझनी है भी आखिर ये है क्या। एक्चुअल में जो ये शहरी लोग हैं, गूगल चलाना जानते होंगे, उनको शायद आसानी से समझ आ जाए। ट्रैक्टर के पीछे एक हल लगा हुआ है, इस हल को बोलते हैं MB, M फॉर मॉन्की, B फॉर बॉम्बे, MB रिवर्सिबल प्लो। MB प्लो कहते हैं, MB रिवर्सिबल प्लो कहते हैं। इससे खेत जोता जाता है। पुराने टाइम पे जो हल आते थे इस तरह के, वो मतलब ऐसे रिवर्सिबल नहीं होते थे, इससे टाइम कम लगता है और खेत बढ़िया जुतता है, जोता जाता है। अब इसमें क्या है कि जब आप वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे, शुरुआत में जब ये वीडियो शुरू होता है जस्ट, तो मेरे तो स्क्रीन पे है, अब आपकी स्क्रीन पे कैसे आएगा ये, चलो आपको बता देते हैं, आप गौर से फिर भी देखिएगा, मैं आपको प्ले कर लेता हूँ। इसमें वीडियो जब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होते हैं ट्रैक्टर की चाबी घुमाई जा रही है, तो स्टार्ट किया जा रहा है वीडियो, और वीडियो फिर कैमरा दूर जाता है स्टार्ट होने के बाद। जब कैमरा थोड़ा दूर जाएगा, हल्का सा ट्रैक्टर चलने लगता है, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी भी जहाँ से ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ उससे पहले किसी और ने एक जो लाइन है वो जोत के इसको सैंपल के तौर पे दिखाई है भी ऐसे जोता जाता है ट्रैक्टर। एक सैंपल के तौर पे इसको जोत के दिखाया गया है ट्रैक्टर की ऐसे जोत, और वो बिल्कुल परफेक्ट जोता गया है, एक या दो चक्कर किसी ने मार के दिखाए हैं। अभी क्या है कि जब ट्रैक्टर चलता है, जिनको नई जानकारी है उनको बताएं, ये जो जैसे सीध में ट्रैक्टर जाएगा तो ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड की तरफ मिट्टी फेंकता है, मतलब ट्रैक्टर सीध में जा रहा है तो लेफ्ट साइड मिट्टी फेंक रहा है, एक तरह से एक एक तरफ मिट्टी फेंकता रहता है ये। और जब ये ट्रैक्टर रिवर्स होगा, अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे लगभग 1 मिनट के वीडियो के बाद, जब ये ट्रैक्टर रिवर्स घूमता है वापस आएगा रिटर्न होके, तब इस ट्रैक्टर के प्लो को रिवर्स करना पड़ता है। जैसे ही ये ट्रैक्टर होगा ख़त्म होगा एक लाइन में, तो रिवर्स करना पड़ेगा ताकि वापस आए तो भी वो मतलब सेम टाइम सेम डायरेक्शन में खेत को जोते, क्योंकि एक साइड आप जाओगे तो लेफ्ट में फेंकना है, तो दूसरी साइड आओगे तो राइट में भी आना चाहिए ना वापस, तो ताकि एक जैसा खेत जोते। जब ये रिवर्स आ रहा है पहली लाइन में जाने के बाद, तो ये रिवर्स करना भूल गया, और किसान कहते हैं भी घटिया से घटिया नए से नया किसान भी इस बात को जानता है भी MB रिवर्सिबल प्लो को एक लाइन पूरे करने के बाद रिवर्स करना पड़ता है। फिर ये वापस आ रहा है जब, तो वापस आने के बाद क्योंकि इसने रिवर्स नहीं किया, तो मतलब एक तरफ मिट्टी इधर चली गई, तो जब रिवर्स आया तो इधर आनी चाहिए थी लेकिन इधर चली गई, तो मतलब दोनों तरफ से मिट्टी ऐसे इसने खोल दिया, तो बीच में खड्डा बन गया। जब खड्डा बन गया तो उसका ट्रैक्टर फंस गया है। अब फंस गया है तो इससे निकल नहीं रहा है, बोल रहा है मिट्टी गिल्ली है जी, ट्रैक्टर का जोर लग रहा है, फंस गया है। तो ट्रैक्टर की कंपनी वाले भी कह रहे होंगे भैया किसके हाथ में दे दिया, ट्रैक्टर बेइज्जती करा रहे हो। फिर ये पूछता है भी क्या करूं, आप गौर से उस वीडियो में देखेंगे, जब इसका ट्रैक्टर फंस के रुक जाता है तब ये थोड़ा आगे चल के पूछता है भी क्या करूं मैं, तो उस टाइम वो इसको साइड से कोई बंदा इशारा कर रहा है भी प्लो को रिवर्स कर। आप लगभग ये जब इसका ट्रैक्टर फंस जाएगा करीब करीब 2-2.5 मिनट की वीडियो के आसपास, जब ये ट्रैक्टर फंस जाएगा तब ये पूछता है कि भाई ये इसको क्या करना है, तो साइड में बंदा बताता है भी पीछे तो तूने प्लो लगाया उसको रिवर्स कर ले, तो फिर वो उसको रिवर्स करता है, फिर वो ट्रैक्टर सही चलता है। फिर ये बहाने बनाता है कि हमारे टाइमों में भी ट्रैक्टर में ऐसे नहीं आते थे, पिताजी तो 2017 तक जोतते रहे, और जो किसान है उनको पता है कि MB रिवर्सिबल प्लो कितना पहले आ गया था मार्केट में। तो करीब ये 2 मिनट 52 सेकंड के आसपास का वीडियो जब आप देखेंगे, तो उसमें ये प्लो को रिवर्स करता है और फिर इसको बताते हैं भी गलत हो गया है। अब ये चीज़ हमें तो इतना नहीं ज्ञान है, लेकिन जो किसान है उनको बहुत अच्छे से पता है। और अब पिताजी हैं जाट जमींदार, और जाट जमींदार वो भी ऐसे जिन्होंने 100-100 किले ज़मीन जोती है, ये नहीं है भी कभी कभार ट्रैक्टर चलाया है, 100-100 किले
जमीन जोती है एक साथ। पिता ये कहते ट्रैक्टर इतना गर्म हो जाता था गर्मी में भी लगातार ऐसे जोतते थे। दूसरा क्या है, ये खेत जोतना है, आप कभी जो खेतों में देखा होगा, आप देखे ना बिल्कुल सीध, कैसे आपको लगता होगा भी इतनी स्केल की तरह बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें कैसे मार लेते हैं किसान। तो ये मतलब उनकी स्किल होती है कि मैं उतना वीडियो काट के डाल दूंगा जो इसका है ना प्लो गलत चला रहा है वो, तो बिल्कुल सीधा जोतते हैं। तो जब ये ट्रैक्टर से रिवर्स करना होता है, रिवर्स आता है जब प्लो को रिवर्स करना होता है, जब ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा हो जाए तब लिफ्ट को डाउन किया जाता है पीछे से ताकि ये सीधा। हालांकि थोड़ा बहुत तो हमने भी डेरे में खेतों को देख देख के जानकारी ली है और तब ये चलता है, लेकिन ये ट्रैक्टर सीधा किए बिना ही पहले ही लिफ्ट नीचे कर देता है। तो किसानों का कहना है कि जिन्होंने देखा है भी इसने इस खेत को गलत जोत दिया है और ये खेत खेत खराब कर दिया है। हालांकि ये खेत नहीं लग रहा है क्योंकि घास बहुत ज़्यादा उगा हुआ है, तो हो सकता है ग्राउंड है कोई जिसको अभी खेत की तरह है, सैंपल के तौर पर दिखा रहा है करके। और कहने का भाव ये है कि इस व्यक्ति को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता और इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि खेत जोता कैसे जाता है एक रिवर्सिबल प्लो से, ना इसको ट्रैक्टर चलाना आता है ना इसको ट्रैक्टर की लिफ्ट कंट्रोल करनी आती है, तभी इसका ट्रैक्टर बार बार धस रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, लेकिन अभी क्या है कि वहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो हैं कैमरे वाले, एक्टिंग वाले, नौटंकी वाले, अब हनीप्रीत के टोले वाले, उनको घंटा नहीं पता खेती बाड़ी के बारे में। अब जिनको पता है वो हैं जो इसको असली गुरु माने बैठे हैं। तो खैर ये चीज़ें आपके सामने खेत के तौर पे हैं, लेकिन इस सब से हटके आपको और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। वो ये अभी ये बोल रहा है जी हरी घास है नीचे जाके ऑर्गेनिक बन जाएगी वगैरह वगैरह, तो पता नहीं बाकी इसमें इसकी क्या नॉलेज है क्या नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जब ये शुरुआत होता है ये वीडियो आप देखेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो करीब करीब 10 सेकंड के वीडियो के बाद करीब 7, 8, 9, 7 या 7 से लेके 10 सेकंड के बीच का जब आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको इसकी कद्दू जैसी तोंद मिलेगी। हालांकि मोटा तो मैं भी हूँ पर इतना नहीं हूँ जितना ये है, मतलब बिल्कुल करीब करीब 41-42 इंच का पेट मिलेगा इसका। और दिख रहा है भी शर्ट जो कुर्ता पहना हुआ है इसने फटने को आ रहा है। इसके अलावा क्या है, जीन्स वाला पजामा पहना है, इसे जॉगर कह देते हैं जो इसने पहना हुआ है, आज की भाषा में भी जॉगर कहते हैं जो इसने पहना, चाहे हो सकता है जीन्स भी हो लेकिन देखने में ये लग रहा है भी ये जॉगर है। तो ये क्या है, ये भी 2 पीस वाला है, मतलब 300-400 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, 2 पीस वाला जॉगर है, सिंगल पीस में नहीं है। तो सस्ते वाले जो पजामे ऐसे होते हैं तो ये 2 पीस में जोड़ बड़ा होता है ऐसे बनते हैं, जैसे आप लेदर का जूता लेने जाते हैं तो लेदर के जूते में जितने टुकड़े जुड़े होते हैं जूते के अंदर उतना वो जूता सस्ता होता जाता है, और जितना सिंगल पीस लेदर का जूता होता है उतना महंगा होता जाता है जो क्वालिटी लेदर होता है। ऐसे ही ये है कपड़ा होता है जीन्स में भी, अगर आप पीसीज में जुड़ी हुई जीन्स लेंगे तो वो जीन्स सस्ती होती है, या जोगर लेंगे पैंट लेंगे जो सिंगल पीस में होता है क्वालिटी कपड़ा वो महंगा होता है। तो ये पीसीज वाली पहन रहा है, 300-400 रुपये से ऊपर क्या पजामा इसको दिया नहीं गया है, और एक अजीबोगरीब तरह का इसने कुर्ता पहना है, शायद इसको कपड़ों का रंग भी मैच करना नहीं आता और वगैरह, और इतने ही इतना मोटा है। अभी तो बोल रहा था 25-25 किलोमीटर तोड़ता है ये, लेकिन अभी क्या है कि सत्संग की स्टेज पे जहाँ पे स्टेज पे बैठते हैं वहाँ तो हो सकता है बेल्ट बुल्ट बांध के टमी टक्कर पहना के इसको बिठाया जाता हो, और वहाँ वैसे भी टेबल आगे होता है माइक होता है उतना दिखता नहीं है, कुर्ता पजामा लूज पहना होता है, यहाँ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो लेकिन एक स्टडी ये भी कहती है भी अभी अभी तक हम देखो मोटू पतलू दो तो देख ही रहे थे भी, एक मोटा आदमी है और एक पतला है, लेकिन एक तीसरा कैरेक्टर भी मान के चलो भी हो सकता है ये तीसरा भी हो, क्योंकि जो स्टेज पे बैठने वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति है तो करीब करीब लगभग 110 से 115 किलो वजन लगता है इसका देखने में, जितना ये मोटा दिखाई दे रहा है। जबकि आप एक देखना ताड़ासन वाला वीडियो फोटो डाला है इसने और एक कुत्ते खिला रहा है छोटे छोटे, उसमें बिल्कुल सिंगल हड्डी है, मतलब हम आम क्या कहे भी डेरे में ना प्रबंधकों में 2 प्रबंधक होते थे, एक था गोभी और एक था गुरदात, अब ये दोनों एक साथ चलते थे ना, ये दोनों एक साथ चलते थे, अब एक तो लगता है पैटर्न टैंक,
एक लगता है भी मतलब सुखी मूड़ी इस तरह से, तो वो वाला काम है भाई। अभी एक मोटू पतलू है, एक तो है बिल्कुल कद्दू जैसा, बिल्कुल मोटा है ऐसे गोभी राम जैसा, अभी तो गोभी राम भी थोड़ा इससे पतला होएगा, और एक है बिल्कुल सुकड़ा हुआ गुरदात जैसा, मतलब ये गोभी गुरदात की जोड़ी है। अभी ये रूढ़ी आंटी के दो रतन है कि चार रतन है, तीन है, कितने हैं पता नहीं, दो तो डेफिनेटिव हैं। तो खैर ये तो अब हमें समझ आ गया, तो बिल्कुल क्लियर है। हमने एक फ़ोटो भी डाली है आपको, तो एक दोनों ये फोटो इसका स्क्रीनशॉट डाला है हमने इसमें, और एक फ़ोटो आपको थोड़ी देर पहले डाली है हमने मोटू पतलू की। एक में तो बिल्कुल ये गुरदात का भाई लग रहा है, एक में गोभी राम का भाई लग रहा है। तो खैर ये आपको जिम्मेदारों को तो अब समझ आ गया होगा जो जिम्मेदारी। और एक अभी किसी का फ़ोन भी आया, वो मुझे बोला जी ऐसा है, वो जाट है व्यक्ति, तो वो कहता भी दरअसल जाट जो होते हैं ना, आप कभी किसी गांव में जाना तो कहता भी आप जब जाट बोलता है, आप जट कह देते हैं पंजाबी में या हरियाणा में जाट कह देते हैं, कि जब ये कोई भी जाट अगर बोलता है जमींदार जो होता है तो उसके बोलने में रोब होता है, क्योंकि क्या है कि उनकी बड़ी ज़मीनें होती हैं, उनके लोग बहुत होते हैं, उनमें कमांड देनी पड़ती है, वो मतलब एक तरह से कमांडिंग बिहेवियर होता है जाट का जो बड़े जमींदार होते हैं। कहता भी इसकी बात में रोब नहीं है, मतलब ये अगर जो भी व्यक्ति है ये जाट तो बिल्कुल नहीं है भी, ये जो एक्टिंग कर रहा है भी ये जाट नहीं है, और राजपूत भी नहीं होगा क्योंकि पिताजी सिख राजपूत कैटेगरी में आते हैं कास्ट वाइज जो मानते हैं, वैसे तो पिताजी जात पात नहीं मानते, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे देखें तो सिख राजपूत कैटेगरी में गिने जाते हैं पिताजी, और पिताजी की बात का रोब तो इतना था, अभी अच्छा अच्छा बंदा कहाँ पर जाए। अब ये बिल्कुल डरपोक आदमी है, बिल्ली बना हुआ है, क्योंकि ये तो कोई और ही है। तो खैर ये चीज़ आपको आज के वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरा एक और जानकारी अयोध्या से आई है, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं भी ये व्यक्ति जबरदस्ती क्या है, अभी कल को आपको बोलने लगे भी, जैसे बहुत सारे लोग पंजाब से जो सिख हैं, कट्टर सिख भी हैं या सिख विचारधारा से जुड़े हैं, वो लोग भी डेरे में आते थे, आपने देखा बहुत सारे सरदार पगड़ी बांधते हैं बड़ी दाढ़ी वाले, ऐसे लोग आते थे डेरा में सिख, क्योंकि गुरु गुरु की प्रथा, गुरु भाषा, संतों की चरण, इनकी ज़्यादा जो नॉलेज है वो सिखों को ज़्यादा है, क्योंकि इनका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, बाकियों का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है, 500-7 हज़ार साल से पुराना है, तो सिखों का लेटेस्ट है, तो इसलिए इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, और ये गुरु प्रथा को चलाते रहे हैं, इनकी बंद नहीं हुई है, बाकी जगह गुरु प्रथा कम हुई है लेकिन सिखों में कम नहीं हुई है, इसलिए इनको नॉलेज भी ज़्यादा है गुरु प्रथा की। अभी क्या है कि ये हम देख रहे हैं पिछले जब से ये लाइव आया तब से, अभी सेकंड पैरोल पे ये जबरदस्ती कह रहा है भी आप दिए जगाओ, आप आरती करो, आप सूरज को नमस्कार करो, जबकि आप गुरु नानक देव जी की साखियां हैं, पिताजी भी सुनाया करते सभी साखियों को, हालांकि लिखी गया तो पता नहीं, तो पिताजी से ही सुनी है भी, जल चढ़ाना सही मतलब अजीब बेवकूफ़ी है, कोई भी किसी भी तरह की जड़ पूजा बेवकूफ़ी है, मतलब ये सही नहीं है अध्यात्म में, और अगर द्वापर युग में भी मूर्ति पूजा को प्रेफरेंस दी गई तो भी उसमें लिखा आता है ग्रंथों में कि मूर्ति पूजा को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसी दिशा में धकेल रहा है सिखों को भी, मतलब तो आम सारी संगत को ही बोल रहा है भी आप दिए जगाओ, भी आप आरती करो, आप सूरज नमस्कार करो, आप चंद्रमा देवता के बारे में जानो, तो और काल को ये भगवान बता रहा है भी, तीनों देव हैं उनके ऊपर जो काल महाकाल है उसको ये भगवान का दर्जा दे रहा है, जबकि पिताजी पार ब्रह्म परमेश्वर को देते थे, काल महाकाल को भगवान नहीं कहते थे। अब ये चीज़ है, और गुरु प्रथा में गुरु भगवान से भी बढ़ के माना जाता है। कल आज हमारे को किसी ने बताया है अयोध्या से भी, अयोध्या में कल की तैयारी है, अयोध्या नाम चर्चा घर में मीटिंग रखी गई और बोला गया भी आपको प्रोग्राम करना है, तो वहाँ स्क्रिप्ट दी गई भी ऐसे ऐसे आपको बोलना है, फिर उन्होंने बोला भी आप एक ऐसा बैंकेट किराए पे लो जो इसमें राम जन्मभूमि है अयोध्या में, जहाँ मंदिर बन रहा है राम मंदिर, उसके पास होना चाहिए नज़दीक, फिर वहाँ पे राम और लक्ष्मण, श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति आप स्थापित करवाओ उस जगह पे, फिर आपने सभी साध संगत ने भगवे रंग के कपड़े पहन के आने, और उसके बाद आपने लाइव में आपको जब बोला जाए तब आपने जय श्री राम के नारे लगाने। तो अब ये
कॉन्सेप्ट अयोध्या वालों को 45 मेंबर हैं, टोहाने के बंदे हैं ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर जितना गंद 45 मेंबरों ने टोहाना के 45 मेंबरों ने पाया है यहाँ पे, ज़्यादातर गंद टोहाना के लोगों ने ही पाया है सिरसा में 45 मेंबर बन के। तो टोहाना के ही 45 मेंबर वहाँ गए हुए हैं सब सिखाने, और ये सब ड्रामा चल रहा है। अब कल आप मान लो, हो सकता है आपने भूल दिया कल ये ना करें, पर कल को मान लो ये जय श्री राम के नारे लगवा रहा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए किस एजेंडे पे काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। हालांकि इसकी ओवरऑल एक्टिविटी को समझ के ये समझ में आता है भी ये टारगेटेडली सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी की जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट करने आया है। मतलब सुबह दिन में मेरी लगभग दर्जन भर पत्रकार, अलग अलग अखबार के पत्रकारों से बात हुई, और ये जानने के लिए, और जो बड़े इसके मैगजीन्स के राइटर हैं, जैसे बड़ी बड़ी मैगजीन आती हैं इंडिया में भी, आउटलुक मैगजीन है, इंडिया टुडे मैगजीन है, उनके राइटरों से भी बात हुई कि भी क्या लगता है आपको, भी क्या है सब कुछ। तो सबका सबने एक बात कही भी, ये तो डेफिनेटिव है भी ये बंदा डेरा प्रमुख तो नहीं है भी, क्योंकि अगर 2017 से पहले का वीडियो देखो तो ऐसा कोई इंसिडेंस मिलता ही नहीं है भी जहाँ पे डेरा प्रमुख कोई गलती कर दें, और कोई उनकी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात पकड़ ही नहीं सकते आप, जबकि इसकी ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जो गलत ना हो, और ये तो कन्फर्म्ड है। फिर आज सुबह, अब जैसे ही ट्रैक्टर वाला वीडियो आया, मैंने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बड़े लेवल के, उनको ये दो फोटोज़ भेजे हैं मोटू पतलू के। मैं कभी, आप इधर देख के बताओ भी ये एक ही आदमी है या दो अलग अलग आदमी है। तो फिर तीसरा मैंने फोटो भेजा है इसका, वो जो ये ग्रीन टी पी रहा है इंस्टाग्राम पे डाला है, वो भी पतलू का है, वो भी ऐसे अंदर से यहाँ से मुंह घुसा हुआ है, फिर यहाँ से माथा घुसा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे करीब बना हुआ है, वो बिल्कुल चूहे जैसा मुंह है, और इतने मोटे मोटे किलो किलो के होठ हैं, मतलब अजीब सा है चेहरा है उसमें। तो मैंने सारे तस्वीर भेजी मैंने, वो उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर की भी ये व्यक्ति एक नहीं है, ये दो अलग अलग बंदे हैं, ये तो डेफिनेटिव है। फिर हमने मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पता किया भी, तो वो आपको बताएंगे भी ये मेकअप आर्टिस्ट, तो हमने एक कोशिश कर रहे हैं भी हम आपको एक मास्क तैयार करके दिखाएंगे, और ऐसा ही मास्क कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आ जाएगा टाइम रहते, देखते हैं थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा क्योंकि बनाने वाले थोड़ा महंगा बना रहे थे, जितना हमारे बजट में होगा सही बन गया वो, तो आपको एक मास्क तैयार करके दिखाएंगे भी कैसे इस मास्क, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे ही बना के दिखाएंगे किसी के चेहरे का, जिससे आपको अंदाज़ा लगे भी किस तरह से ये मास्क बनते हैं और कैसे ये मास्क चिपकाए जाते हैं। तो हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन्होंने इसका एनालिसिस करके बोला है भी ये मास्क ऊपर से पहना जाता है, आँख से कटा हुआ है और नाक से इसको काटा गया है, और होठों से, होठों से जहाँ से काटा गया वहाँ पे दाढ़ी चिपका दी है, तो आपको बॉर्डर दिख नहीं रहा है, लेकिन आँख से जो है बॉर्डर आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन नाक पे क्योंकि जोड़ नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा मास्क पीछे गर्दन तक नहीं है, ये मास्क कान तक ही है, कान भी जो हैं वो मास्क में नकली हैं, जो कान लगाए गए हैं मास्क में वो कान भी नकली हैं। तो ये चीज़ मतलब सारी उन्होंने हमारे को समझाई, और फिर वो कान का भी वीडियो हमने आपको डाला भी, कान आप देख के, वो हमें तो इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने नोटिस करके हमें भेजा भी ये कान नकली है, ये ओरिजिनल कान का मतलब कान नहीं है, फ्लैट है, देखो ध्यान से, तो वो हमने आपको वीडियो डाला ही है, वो आपने देखा ही होगा। कुल मिला के मतलब ये चीज़ तो समझ में आ रही है, एक से दो आदमी है, दो से तीन बेशक हो सकते हैं, दो से एक नहीं हो सकता भी, दो आदमी है, दोनों के दोनों ही नकली है। हालांकि ये तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, और इसको और उसके बाद खुसर फुसर करते करते वो मामला बढ़ ही रहा है आगे से आगे, ये बात निकल रही है, और उसमें जिनको पता लग रहा है वो एडम ब्लॉक वाले ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि भाई ये तो जी एक असली है एक नकली है, अब इस चीज़ पे तो एडम ब्लॉक वाले आ ही गए हैं भी, एक असली है और एक नकली है। तो खैर ये चीज़ आपके सामने धीरे धीरे स्पष्ट हो ही जाएगी। इसके अलावा क्या है कि कई बार वो पूछते ना यूपी वाला भी सूत्र कौन है, तो खैर हमारा मन नहीं है अभी आपको सूत्र का नाम बताने का, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब आपको सूत्र का पता चलेगा तो आपका तो पता नहीं, लेकिन रूडी आंटी के पांव तले जमीन जरूर खिसकेगी भी, आखिर ये आदमी भी मेरा सूत्र हो सकता है, भी मेरी खबरें दे सकता है बाहर। तो खैर एक आदमी है जिसका हमें मतलब आपको बताना तो चाह रहा हूँ, पर मैं जान अवॉइड कर रहा हूँ बार बार, भी मेरे मुंह पे ना ही आए तो अच्छा है। तो खैर आगे हम
हमने आपसे एक सवाल पूछा था भी, अगर कोई कल्पना करो कि अगर कोई यूपी वाला, यूपी वाले के पास कोई धनाढ़ आ जाए देश में नंबर रखने वाला, तो कैसा महसूस होगा, कैसा उसका रिएक्शन होगा? तो जितने इसने अभी तक ये गप्पसंग चलाए हैं अपने वीडियोस में, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो। और जैसा का बिहेवियर 45 नंबर और एडम ब्लॉक का है, पहली बात तो इनको पता चल जाए भी वो धनाढ़ है, तो पहले तो भाई यूपी वाले से पहुंचने से पहले फिल्टर लग जाएंगे, पहले 45 नंबर, फिर एडम ब्लॉक वाले, फिर हनीप्रीत, और फिर जाके चौथा नंबर आएगा। अभी पहले तीन ही लगेंगे जी, एक शर्त पे मिलवाएंगे, पहले हमारे इतने इतने पैसे हमें दो, तो लगता है 30-40 करोड़ तो ये पहले खा जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। फिर अब यूपी वाले के पास वो जाके अपना टुकड़ा रोए जी मुझे चैन से नींद नहीं आती, तो यूपी वाला क्या बोलेगा, अभी तेरी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? बोले जी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं मेरी, ये है वो है। क्या भी एक काम कर, सबसे पहला काम कर, फैक्ट्री के चिमनी के ऊपर फुहारा लगवा। भी हालांकि व्यंग है, पर फिर भी जो जो यूपी वाले ने बताया उसके हिसाब से सोचिए। भी चिमनी के ऊपर फुहारा लगा ताकि जरा धुआं जो है वो वातावरण को ख़राब कर रहा है, ये तेरी वजह है। ये फुहारे से सारा कुछ जो हार्ड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठेंगे, धुआं को धो पानी से, चिमनी के अंदर ऐसा सिस्टम लगा जिसमें धुआं धुल के बाहर आए, फिर ये चीज़ वो दिखाएगा। उसके अगले स्टेप पे कहेगा भी धुआं धुल के बाहर आ गया, चलो ठीक है जी। उसके बाद अब क्या है भी, अब तेरे को कीटाणु मारने हैं, तो एक काम कर अपने चारों तरफ दिए जगा के रख, जिससे तेरे सारे देसी घी के दिए जगा, जिससे सारे कीटाणु मर जाएंगे। फिर कीटाणु मर गए, फिर इसको याद आया हो कीटाणु मर जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर कहेगा नहीं दिए बाद में जगाने हैं, पहले ऐसा जीवाणु है जो मुंह के रास्ते खा, जब मुंह के रास्ते जाएगा तो वो तेरे डीएनए को शक्ति देगा, फिर तेरे डीएनए को शक्ति देगा तो डीएनए तेरा ताकतवर हो जाएगा, फिर डीएनए तेरे दिमाग को रिपेयर करेगा। फिर इसको फिर याद आया भी हो तो कन्फ्यूज़न हो गया, फिर वो फिर वापस जाएगा, नहीं ये भी नहीं करना। फिर वो बोलेगा नहीं पहले एक काम कर, खुश मिजाज हो, अच्छे से खुश हो, खुश मिजाज हो, खुश मिजाज होके सो। फिर वो कहेगा ओहो इसको तो प्रॉब्लम ही सोने की है, तो खुश मिजाज होकर कैसे सोएगा? अब उसको प्रॉब्लम ये होगी कि पहले कीटाणु मारूं, अगर कीटाणु मार दूंगा तो जीवाणु कैसे जाएगा डीएनए को ठीक करने वाला, तो जीवाणु भी पहले अगर जीवाणु खिला दिया तो डीएनए शक्ति आ जाएगी, तो जब तक खुश मिजाज नहीं होगा तब तक डीएनए रिपेयर कैसे होगा? डीएनए 4 गुना रिपेयर करता है खुश मिजाज होने के बाद, तो अब खुश तो वो हो नहीं पा रहा, तो करे क्या? तो वो क्या है कि वो अपने आप में उलझ गया, भी पहले जीवाणु खिलाऊं, पहले कीटाणु मारूं, क्योंकि जब देसी घी का जले तो सारे जीवाणु मार देगा, देसी घी के दिए जगेंगे। अब क्या है जी, वो हो जाएगा धनाढ़ जो है परेशान, और जब इतना परेशान हो जाएगा तो वो करेगा क्या, वो अपना सिर फोड़ लेगा। फिर उसको बोलेगा नहीं आप सब कुछ छोड़ दो, आपके अंदर आत्मबल की कमी हो गई है, जब आत्मबल की कमी हो गई है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है, आप मेडिटेशन करो। फिर इसको याद आएगा ओहो आत्मबल की कमी होने वाले बंदे का तो बिजनेस चल नहीं सकता, बिजनेस तो तब चलेगा जब उसने मेडिटेशन करके आत्मबल हौसले बुलंद कर लिए हों। ओहो ये तो फिर कन्फ्यूज़न हो गया। मतलब क्या है कि कहने का मतलब, हालांकि ये व्यंग है लेकिन आप सोच के देखिए, इसकी कोई बात का सिर पैर मुंह सिर कहीं है, और क्या सोच के आप इसे गुरु बनाए बैठे हैं? मतलब कोई क्या सोचते हैं, क्या सिर्फ प्रसाद खाने के लिए गुरु है? क्योंकि क्या है, जब हम डेरे जैसे मैं हम लगातार बचपन से रहे हैं तो हमें शौक क्या होता था, पिताजी का क्या सिस्टम था, पहले डेरे में बूंदी का प्रसाद मिलता था गुलदाने का, लेकिन तब लोगों को शुगर होती थी, बहुत से लोग तला हुआ हजम नहीं कर पाते थे, और क्या है कि बूंदी के अंदर केमिकल मिलाना बहुत आसान हो जाता था, और पिताजी क्योंकि तले हुए का परहेज करते, खुद भी मीठा नहीं खाते थे, तो धीरे धीरे ऐसे करते करते काजू के शुगर फ्री बिस्कुट्स, जो काजू काजू मतलब ड्राई फ्रूट वाला नहीं, काजू शेप के बिस्किट्स शुगर फ्री हों, थोड़े मीठा कम हो, उन बिस्कुटों का प्रसाद में प्रावधान लाया गया, अभी अगर इसमें मिलावट होगी तो ये सलाब जाएंगे, तो ताकि मिलावट बिना कोई कर सके और ये मतलब किसी भी तरह का मरीज हो वो ये खा सके नहीं इसको, तो ये प्रावधान पिताजी ने मतलब बनाया था प्रसाद का। लेकिन कभी कभार जो पिताजी जैसे स्पेशल किसी से मिलते थे तो खोए की बर्फी, प्योर खोआ होता था उसको, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला के बर्फी बनाई जाती थी, तो वो खोए की बर्फी का पीस देते थे जब स्पेशल किसी से मिलते थे, या कोई खास सेवा करके आए, कोई बड़ा काम करके आए, तो खुशी में पिताजी वो बर्फी का प्रसाद देते थे। तो हमारे जैसे छोटे छोटे होते हैं हमें होता है कि किसी तरह हमें बर्फी का प्रसाद मिल जाए स्पेशल, तो हम उसमें उस रेस में दौड़ते थे, लेकिन वो बहुत एक छोटे से टिफ़न में होता था और बहुत लिमिटेड लोगों को ही मिलता था जो ज़्यादा बड़ी सेवा करते थे।
और उसके बाद वो बर्फी का प्रसाद रखना भी कम कर दिया। फिर क्या बारीक बूंदी थोड़ी रख लेते या फिर मिश्री रखते भी, इस तरह की चीज़ जो लंबे टाइम तक कैरी करी जा सके और ख़राब ना हो, इस तरह से टिफ़िन में चीज़ें रखते थे। वो ना नॉर्मल काजू के प्रसाद से अलग हटके हो, क्योंकि एक VIP जब कोई मिलता है उसको साइकोलॉजिकल होता है कि मुझे स्पेशल प्रसाद दिया जाए, तो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी था। ऐसे ही में क्या है कि लोगों की इच्छा होती थी भी हमें वो स्पेशल प्रसाद मिले। अब इसने क्या खाने पीने के लालच में सबको लगा दिया है, इसने सबको खाने पीने का लालच दिया भी। ऐसा है भी तुम्हें, अब IT विंग के एक व्यक्ति का फ़ोन आया, बोला जी हमारी मीटिंग रखी गई और सुबह बुला लिया हमें, सारा दिन हमारी कभी कोई सी ID चेक हो रही है, कभी कोई वेरिफिकेशन हो रहा है, कर करा के हमें रात को बुलाया गया मीटिंग में। तब तक ठंड हो गई थी और हम ठंडा गर्म कपड़े लेके नहीं आए थे, तो हमें ठंड लगने लगी। कहता जी आधा पौना घंटे की मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर 6 तरह का प्रसाद खिला दिया, तो और 6 तरह का प्रसाद खिलाया और ज़बरदस्ती 3 बार नारे लगवाए भी आप YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे YouTube पे, और उसमें आधों ने हाथ खड़े किए आधों ने नहीं किए, तो ये काम कराया। उसके बाद भी कहता भी उसने ये बताया भी जो सुबह बंदा जो स्टेज पे बैठा है उसको क्योंकि दूर से दिखाया जाता है तो वो बंदा फिर भी थोड़ा बहुत नेचुरल एक्टिंग कर पाता है, लेकिन जो बंदा मिलता है सुबह वाला बंदा अलग है और शाम को जो बंदा मिल रहा है तेरा आवास में वो अलग है, और जो मिल रहा है वो बंदा तो 1 पैसा भी पिताजी के बराबर नहीं लगता भी, वो तो इसको तो उसका तो साफ पता चलता है भी ये बोगस आदमी है। तो ये चीज़ जो कंपैरिजन है ये दिखाया, मतलब उसने बताया हमें, दिखाया नहीं उसने बताया। और कहता भी उसके बाद सारा जोर इस बात पे दिया पौने घंटे की मीटिंग में भी, जो YouTube के सब्सक्राइबर हैं वो 10 लाख करने हैं 5 की बजाय, और 10 लाख के बाद वो YouTube वाले ने एक बटन, वो बैच देते हैं ऐसे YouTube का बना हुआ, एक बैच सा आता है शील्ड में बन के आता है स्पेशल YouTube कंपनी की तरफ से, तो वो बैच लेना है इसको, उसकी लालसा है अब इसको भी वो बैच मिल जाए मेरे को किसी तरह, तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ। ये कहता उस दिशा में काम कर रहा है, और ये चीज़ उन्होंने भी कंफर्म की। कहते हैं उन्होंने बहुत बारीकी से नोटिस किया है भी ये 2 आदमी हैं अलग अलग, और जो दूसरा आदमी अंदर बैठा है वो उसकी आवाज़ तो बहुत नहीं मिलती, लेकिन जो स्टेज पे बैठा है उसकी माइक में हो सकता है कोई चीज़ लगाई हो। अब बाकी क्या है भी शरीर तो दोनों का ही नहीं मिलता बिदाई से भी, शरीर का दोनों का ही ऊट पटांग है, अलग अलग तरह का है बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा शायद एक तीसरा बंदा भी है जो इन दोनों से ज़्यादा मोटा है, मतलब एक बहुत ज़्यादा मोटा है, एक थोड़ा पतला है, एक और पतला है, बाकी दो तो डेफिनेटिव हैं। हो सकता है जो बीच वाला है वो टमी टक्कर बनियान टाइट वाली आती हैं वो पहन के फिर शूटिंग करता हो, शूट करवाता हो, इस तरह से है। तो खैर ये चीज़ें आपको समझनी है, आज समझिए कल समझिए, हम तो आपको हर रोज जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आज वाला वीडियो जो खास तौर पे आप जो भी है तो पहले 3 मिनट का वीडियो, पहले 3 या 4 मिनट का वीडियो काट के वो वीडियो आप हर एक जिम्मेदार के पास भेजें और आप उनसे पूछें भी क्या एक जो जिम्मेदार के पास भेजें और उसको पूछें भी क्या एक जिम्मेदार जो 100-100 एकड़ जमीन जोतता रहा हो, क्या वो जिम्मेदार ये वही जिम्मेदार है भी, जरा देखो। दूसरा एक मोटू पतलू वाला जो फोटो हमने आपको भेजा है वो फेसबुक पर डाला है, वो हर एक बंदे को भेजे और पूछो भी। 3-4 दिन के गैप पे खींची गई 2 अलग अलग फोटोज हैं, एक तो स्क्रीनशॉट ही है और एक इंस्टाग्राम पर डली फोटो है भी, क्या ये दोनों एक ही बंदे के फोटो हैं या अलग अलग बंदों के फोटो हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें पूछो। हालांकि इनको कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ये प्लानिंग करना भूल जाते हैं, और हो सकता है कि दोनों जो मोटू पतलू यूपी वाले हैं उनको ट्रैक्टर चलाना ना आता हो, तो तीसरा ये सांड जैसा आदमी ले आए भी, इसको मास्क बनाओ और इससे ट्रैक्टर चलवाओ, तो और ये अजीबोगरीब तरीके से आपको सलाह दे रहा है भी कैसे खेती करनी चाहिए ऑर्गेनिक। पिताजी जब सलाह देते तो ऐसा ही इतना उतावला है भी ट्रैक्टर पे बैठे बैठे ही सलाह दे रहा है, और फिर जब इसको पता लगा भी उल्ट चल पाया मेरे से, फिर ये कह रहा जी मेरे टाइमों में तो प्लोई और होते थे, और पिताजी किससे ज़्यादा ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज, संद कह देते हैं पंजाबी में इसकी नॉलेज, मतलब मुझे नहीं लगता किसी किसान को होगी जितने पिताजी के पास एक से एक कंपनी वाला आता था कि पिताजी हमारी कंपनी का ये ट्रैक्टर चलाओ आप, क्योंकि कोई भी आप देखना सेलिब्रिटी होता है जिस तरह का शौक हो, तो मेरे आंखों देखी बात है
जैसे एक बार पिताजी के पास रेंज रोवर कंपनी वाले, लेक्सस कंपनी वाले, ऐसे मर्सिडीज कंपनी वाले, जब भी पिताजी दिल्ली जाते या सिरसा में भी कई बार होते, तो वो लोग अपने अपने गाड़ियाँ लेके आते थे उनके मैनेजर्स दिखाने के लिए, कह जी हमारी गाड़ी चला के दिखा दो। तो वो गाड़ी चलवाते और उसका वीडियो रखवा वीडियो लेते भी, आप हमारी गाड़ी चलाओ जी हफ्ता भर और इसका हमें वीडियो दे दो भी, आप हमारी गाड़ी महीना चलाओ हफ्ता चलाओ। आपने देखा होगा पिताजी के पास बहुत सारी महंगी गाड़ियों गाड़ियों में अलग अलग वीडियोस देखे होंगे। तो कई बार कंपनीज अपनी गाड़ियाँ स्पॉन्सर कराने के लिए ऐसे पिताजी के पास वो गाड़ियाँ छोड़ जाती थी, तो वो गाड़ियाँ पिताजी चलाते, वो महीन उसकी फ़ोटो वीडियो बन जाती, संगत को खुशी होती थी पिताजी नई नई गाड़ियों में हैं या सेवादारों की गाड़ियाँ होती। तो अगर मान लो वो गाड़ी पिताजी चलाते और कोई संगत का व्यक्ति खरीदने का शौकीन होता उसी गाड़ी को, तो वो गाड़ी पिताजी संगत संगत में कोई ना कोई व्यक्ति ले लेता। और कंपनी इस तरीके से सोचती थी कि हम गाड़ी बेच देंगे और उसके बदले हो सकता है कंपनी कुछ पैसा डेरे में जमा भी करवाती हो इस चीज़ का, ये क्योंकि ये प्रमोशनल चीज़ें होती हैं और पिताजी ने कौन सा पैसा अपने ऊपर लगाना है, पिताजी तो सारा काम सेवा में लगाते थे। ये चीज़ें चलती थी ऐसी। अब आज की सिचुएशन देखिए आप क्या है, तो पिताजी के पास ट्रैक्टरों वाले भी आते थे और बहुत अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लेके आते थे, और छोड़िए बड़ी बड़ी कंपनी वाले आते थे सिक्योरिटी वाली मशीनें लेके, देखो जी ये स्कैनर है, ये हमारे पास है, आपकी जेड प्लस सुरक्षा है, आपको ये बढ़िया इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, ये बढ़िया डिवाइस दिखाते हैं, हर तरह की आइटम लेके बड़ी बड़ी कंपनी वाले आते थे कि जिसकी ज़रूरत है उसी को दिखाएंगे। पिताजी का ट्रैक्टर का एक वीडियो आ गया जिसमें भी आप सोचो कि पिताजी ने इतनी एडवांस्ड मॉडिफाइड गाड़ियाँ बना दी, एक होंडा सिटी को, मतलब कौन सी गाड़ी थी वो, ये गाड़ी बुगाटी वेरोन, 12-13 करोड़ की गाड़ी है वो बुगाटी वेरोन, उस जैसा डिज़ाइन दे दिया एक होंडा सिटी को। तो इतनी तो पिताजी के पास एक्सपर्टीज थी अपने, और ये कह रहा है कि मेरे को मेरे टाइमों में पुराना खेत होता था, पुराने संत होते थे, मेरे को नॉलेज नहीं है इस संत की, ये तो रिवर्स भी हो जाता है। मतलब क्या है कि ठीक है झूठ बोल रहा है, पर इतना तो ना बोल कि बंदे के हजम ही ना हो। पिताजी के पास तो एक से एक जिम्मेदार आके ट्रेनिंग लेके गए हैं। तो खैर आपको समझ आए ना आए, लेकिन हमारा काम है बोलते रहना, और धीरे धीरे जब आपको समझ आएगी तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। तो कोशिश करते हैं अगर बहन वीरपाल कौर आपको कुछ बताना चाहें आज के लाइव में तो उनसे जानते हैं, क्योंकि उनका खेती बाड़ी वाला संबंध है, उनको शायद नॉलेज जानकारी हो जो ट्रैक्टर चला रहा है ये उल्टा सीधा कैसे चला रहा है, तो क्या क्या जिम्मेदार कैसे जानते हैं, क्योंकि ये भी दुनियावी बिरादरी के हिसाब से जट सिख हैं, पिताजी सिख राजपूत थे लेकिन जट सिख ही कहते हैं उन सिख राजपूतों को भी। तो क्या करेक्टर होता है एक जट सिख का और कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पंजाब के लोग तो खैर जानते ही हैं, हम बाकी लोग भी जो जट सिख नहीं है मेरे जैसे, उनको पता होना चाहिए भी करेक्टर कैसा होता है एक जिम्मेदार का। हाँ जी बहन जी, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी संगत जी, तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी शाह संगत जी, जो कुछ यूपी विच चल रहा है देख के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। भी चलो मैनेजमेंट या डेरा प्रबंधकी कमेटी या अरूड़ीए दी या जब 2 रुपया आया हुआ है, इन्हों का तो गुरु पिता जी ने बदनाम करना, पर दुख तो इस गल का होंगे भी जो सारा संगत भी इन्हों दुर्योधना के नाल जाके खड़ी हो जाती है। बहुत सारी साध संगत ऐ नहीं है भी सारी साध संगत नू पता नहीं है, बहुत सारी साध संगत एहो जी है जिन्हों बहुत कुछ पता लग चुका है। ईवन के जेडे विच उत्थे यूपी रह रहे है उन्हां नू भी पता है भी ये असली पिता जी नहीं है, ये भी पता भी ये दो है भी एक नहीं दो दी तरह। एक बहुत सारे बइया का मेरे को फोन आया, उन्होंने खुद दसिया भी ये दो है एक नहीं है, पर हैरानी तो यह है भी सानू तो ए दस देंगे दे भी ये दो है, जो ए भी दस देंगे दे भी ये पिता जी मिलते नहीं, इन्हों की शक्ल नहीं मिलती, जो इन्हों की आवाज नहीं मिलती, जो अजीब लगता है सारा कुछ, पर हद तो इस गल की फिर चुप क्यों है। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ
हनीप्रीत है इहदा साथ दे रहे हैं। गुरु प्यारी शाह संगत जी बहुत वड्डा पाप ते गुनाह हो रहा है जिवें हुण मोहित बेटे ने दसे तुहानू आपां वीडियो देखी भी ट्रैक्टर चला रहा है भी हैरानी हो रही है भी एक अंजान तो अंजान बंदा देख के भी ये दस दूगा भी ये ट्रैक्टर चलाउण दा ढंग गुरु पिताई दा नहीं है। खेत गिला किन्ना कै जदों खेत दे विच ट्रैक्टर चलाउणा जिमीदार पहला गेड़ा मार के देखदा है भी ट्रैक्टर जिहड़ा जमीन है इन्नी ज्यादा गिली तां नहीं भी कितने ट्रैक्टर खुब ही जाऊगा जलूस ही कट रहा क्योंकि लोग मीडिया में देख रही है कमाल है जिहड़ियां ताजा वीडियो एडिंग आ रही सारे चैनल जो वायरल कर रहे है पिछले 27 साल पुरानी एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रही इथों ही पता लगता ना भी साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है क्योंकि एक गुरु प्यारी साहब संगत जी तुहानू दस रही है भी ये जिहड़ी डेरे की प्रबंधक कमेटी है ना ये तो पहले ही कहती हुंदी सी भी जेडे भी गुरु पिता जी यह कहने से भी इन्हों कुछ नहीं पता इन्हों तो इन अकल नहीं हैगी परम पिता जी के टाइम भी परम पिता जी तो बहुत भोले है ते अपने आप नू बहुत हुशियार ते चलाक समझदे शुरू तो ही ते इसे करके पिता जी स्टेज ते अक्सर ही कहते होंगे सी भी नहीं गुरु तो चलो बंदा समझ के सानू जिहड़ी साडी सवाह मान लो ते गुरु पिता जी नू कदे बंदा भी नहीं समझदे सी इन्ना छोटा करके हुण गुरु पिता जी नू पेश कर रहे हैं जिहड़ा हुण यूपी वाला नकली आया होया अज जिहड़ा ट्रैक्टर वाह मतलब के वाह रहा सी मैं तो उन्हें एक मिनट भी नहीं देख सकी किसी ने मैंने वीडियो भेजी एक मिनट भी नहीं देखा जाता भी लगता थानू भी यह पिता ही बैठे है कोई मतलब के मैं ही अखा बंद करके भी कोई कहने जजमेंट करे ओ भी देख लवे भी ए कहने ना भी अंधा बंदा भी देख ले भी ए साडा गुरु नहीं है। गुरु प्यारी साहब संगत जिहड़ा साडा शरीर है ना एक कार दा शरीर है कई बारी संगत की करदी है जी तां पिता जी वर्गे लगदे आ जी इहनां दी शकल पिता जी वर्गी है जी इहनां दी आवाज पिता जी वाली वाली है जी पर हैरानी है तुसीं पिता जी दी आवाज नूं ध्यान नाल सुनो इहदा मतलब ओ लोक पिता जी दी आवाज नूं भी ध्यान नाल नहीं सुन रहे जे तुसीं पिता जी दी आवाज नूं पहलां पिता जी दी आवाज नूं ध्यान नाल सुनो पिता जी की आवाज इस तरह हो लगूगी बहुत पतली आवाज पिता जी की और मतलब इना निम्रता दिसूगी तुहानू और दूसरा पिता जी में कोयल की आवाज होंगी है कोयल की आवाज दे विच ते कां की आवाज दे विच जिन्ना फर्क है इना ही इहदी आवाज दे विच फर्क है और यूपी वाले की आवाज है कां की आवाज वांगू निकलदी जिवें कां की आवाज खरकश होंगी है कठोर होंगी है भारी आवाज और जो कि गुरु पिता जी की आवाज बहुत पतली आवाज है पिता जी की आवाज इन्नी प्यारी आवाज है कि तुहानू खिंचदी है और इहदी आवाज दे विच कोई है ही नहीं इहो जिहा भी तुहानू खिंचे इह तां इसे तरह तुसीं जिहड़ी इहदियां फोटो देखो मैनू तां मैं तां देखण सारी इन्ना गुस्सा चढ़ जांदा है पता नहीं लोग किवें मतलब इहनूं मन रहे है भी इह साडा गुरु है गुरु प्यारी साहब संगत जी का शरीर है ना एक कार का शरीर होंगे अखां नाल देख लिया सी कन्नां नाल सुन लिया जां मूंह नाल कोई चीज चख ली जिन्नियां भी साडियां ज्ञान इंद्रियां ये तो काल के दायरे के विच है यह सारियां काल के दायरे के विच है इसे करके संगत एक काल के दायरे के विच हुण पूरी तरह पहुंच चुकी है काल महाकाल ने पूरी तरह जिहड़ा पहला इन्ना इन्ना प्रसाद भेजा क्वांटलां दा क्वांटल वह खा खा के इन्हां दी मत है जिहड़ी पूरी तरह मारी गई है यह सारी साह संगत हुण काल महाकाल इसे करके ना हुण इन्हां नूं कुछ दिखाई दिंदा ते ना सुनाई दिंदा पर जिहड़ी आत्मा हुंदी है आत्मा सिर्फ सतगुर दी हुंदी है आत्मा ते परमात्मा इक हुंदा है साडे शरीर दे विच इक आत्मा ही इहो जी है जो परमात्मा दी हुंदी है जो सतगुर दी हुंदी है जो सच दी आवाज सानूं अंदरों दिंदी है बाकी साडा सारा शरीर है जिहड़ा काल दा होण करके इह साडे तों कोई भी धोखा करवा सकदा है इसे करके जिन्ने भी बुरे कर्म हुंदे है भी कहिंदे हुंदे मन मन साडा जिहड़ा बुराई दा एजेंट अंदर बैठा
ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਕਲੀ ਦਾਰੂਪੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ 3 ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛਡਵਾਤੀਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਐਡਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ CBI ਐਡਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ
सारे उल्ट सुनाए है और जेड़े इन्हों का सी जिम्मे बरगाड़ी करने के इन्हों क्लीन चिट दी गई सारू आई फकीर चंद वाले सीबीआई ने इन्हों क्लीन चिट दी इसे करके हम हरचरण देखो तुम कोर्ट पूरे जरा उ जेड़े है लगातार वो सीबीआई को नहीं गा रहे हैं भी सीबीआई ने सू क्लीन चिट दी हुई है सीबीआई ने क्लीन चिट दी हुई है इन्हों की नजर सीबीआई बहुत वधिया है। दूसरा हम हाई कोर्ट जिथे यह चाहते हैं जिमें यह चाहते हैं हाई कोर्ट उवें फैसला सुनाती है तो इतों तुम आप ही अंदाजा लगाओ ना भी जो सा सिस्टम है इन्होंने किन्ना हाईजेक किया होया किया पैसे ना किया हो गुरु प्यारी साहब संघ जन्ना पैसा यह साढ़े संगत तो लै लैके जाते हैं यही तो कुछ खरीद रहे हैं अपने वाली इन्होंने जी आप लाई थी 300 बंद ने बाद भी लाई आप पहला भी 18 बंद ने लाई जज ने सुनवाई तक नहीं की ये तो कभी होया ही नहीं एक जो गवर्नमेंट जिच की सुनवाई हो सकती है तो फिर जे 18 बंद ने केस आया उन्होंने सुनवाई क्यों नहीं उस तो बाद 300 बंद ने होर लाया हाई कोर्ट के उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं पर इन्होंने सुनवाई हो रही है क्योंकि हजे इन्हों का समय कोई गल नहीं समा कि सच का भी आऊगा पर जिस दिन सच का समा आऊगा गुरु प्यारी साहब संगत जी तुम खुद देखोगे फिर इन्हों का हाल की होगा फिर वो गुरु पीरे गुरु पिताई के वचन है कि जिन्या भी चाला तुम चल रहे हो सब उल्टियां तो पैनिया ही पैनिया कोई मुंह नहीं लाऊगा इन्हों की हालत यहोजी हो जानी है जेड़ा इन्ना इन्होंने गुरु पिताई का जलूस कढ़ता भी 2017 के की जरा निकलिया 2017 वाला तो कुछ लोग भुल भी गए थे 2017 जो कुछ इन्होंने मीडिया के चलाया उस तो बाद मतलब कि जिस तरह फेसवर्क्स वर्डक्स की टीम ने अपना अभियान चलाया तो दुनिया 90% तो 95% तक दुनिया मन लग गई थी भी नहीं डेरे वाले जो डेरा मुखी है या डेरे के जो संत है सच्चा सौदा वाले संत है बिल्कुल सही है उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया इन्हों के जेडे अगले प्रबंधक है सिर्फ वो जेडे गद्दी लैन के चाहवान है उन्होंने लोगों ने ही संतों के झूठे दोष लाया उन्होंने लोगों ने ही संतों को जेल भेजा ये 95% तक लोग ये गल मन लग गए थे 5% वो लोग जेडे बिल्कुल ही बेअद ज्यादा यह दिखाते हैं भी इसका बहुत ही ज्यादा कट्टर है वो लोग रह गए थे बाकी सारे लोगों को यह सौन लग गया थी पर जो हम एक आ गया हम डुप्लीकेट लिया गया तो इन्होंने वो जो इन्ना आप मुहिम चला के जा गुरु पिताई जी रहमत ना लोगों के दिमाग दे विच एक सोच आई सी भी संत गलत नहीं है इन्होंने दोबारा सारा इन्नी मूर्खता करा रहे उस बंदे तो इन्नी मूर्खता करवा रहे हैं कि वह जरा पिताई की छवि सी 27 साल की 27 साल गुरु पिताई ने दिन रात मेहनत की 22 घंटे काम किया 22 घंटे तुम पुरानिया वीडियो वायरल करो ना लग जूगा पता इन जरा नवे दीडियो आई टी विंग कमाल है आई टी विंग की मीटिंग भी हुई है कहते उसे भी सिर्फ एक ही मसला उठा है भी तुम जे है इन्होंने सबसक्राइब चैनल करो इन्हों वो तो वो होर लोगों के घर च जाओ ये तो पहले ही लोगों ने फट फट के मोबाइल इन्होंने तो किया बल्का जो ये उठ वापस आ जाते उस बाद फिर बंद कर देंगे उन्होंने सुनना कौन चाहता है कोई सुनना ही नहीं चाहता तुम हैरानगी की गल है कहने साढ़े 5-6 करोड़ संगत है तो सुनती कि होंगी है सुनत 22,000 बंदा भी नहीं होंगे लाइव से इन्हों इन्ना के गुरु प्यारी साहब संगत जी इन्हों के नाल बंदा ये कुछ लोग अजे वो होंगे जिन्होंने इन्होंने धक्के खुलवाए होंगे आई टी विंग वाले ने जा जाके तो गुरु प्यारी साहब संगत जी जो ये सिस्टम चल रहा है इन्ना दुख हो रहा है इन्ना दुख हो रहा है कि हम ना तो पेश चल रही इस तरह करता है भी जेडे लोगों ने इन्ना गुरु का मजाक बना रखा ना भी बस की कहिए तो की बोलगी पर बस पिताई की आज्ञा ही नहीं पिताई का हुक्म ही नहीं है नहीं तो इन्ना जरा जिन्ना मजाक इन्होंने गुरु पिताई का बना के रखता ना तो ऐ लगता भी इन्हों जी सिक्ख्या दी जाए कि मुड़ के इन्हों की हिम्मत ना पड़े पर सतगुर अगे अरदास भी सतगुर इन्हों जी सजा देना यहोजी सजा देना कि आने वाले समय के युगों युगों तक भी किसी की हिम्मत ना पवे किसी की हिम्मत ना पवे कि वह आपके गुरु ना धोखा करे आपके गुरु न ही इन्ना बदनाम करे गुरु पिता एक एक गल कहते होंगे कहते बेटा पहला इतिहास बनया तो हम सच्चे सौदे का भी इतिहास बनेगा
ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇਦਾਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ, ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਹੈ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਬੜੀ ਤੇ ਟਮਾਉਣਗੇ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਹੀ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੂਗਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਪੇਟ ਹੀ ਨੀ ਭਰਿਆ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਭੋਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਪੋਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਈ ਬਸ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹਨੇ ਜੀਰੋ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਰੋ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅੰਦਰ ਸੰਜਮ ਆਊਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇਰੀ ਰੱਦੀ ਤੇਰੀ ਰੂੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਹੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਦਰ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ।
सारे पल्ले पूरे बनो थोड़ा आपका परिवार का विदेशा च रोलता फिर उन्होंने तो इथो छाने मजबूर करता तू की सोचना भी दुनिया ने कुछ नहीं पता लगता साढ़े गुरु पिता ही ना जे असली गुरु पिता ही उन्हां दी करनी ते कथनी दे विच कोई फर्क नहीं है जो कहिंदे सी ओ करके दिखाउंदे सी पर सारी उन्हां दी जिहड़ी महान शख्सियत नूं एडा वड्डा दान दित्ता एडा वड्डा कलंक ला रहा है बंदा पता नहीं है कित्थे जाके भुगतणगे किहो जी इन्हां नूं मालक सजा देऊगा की इन्हां दा बनूगा मालक ही जानता पर गुरु प्यारी साहब संगत जी जो कुछ यूपी दे विच हो रहा बेहद माड़ा ते घटिया हो रहा जिन्नी इस चीज की निंदा की जाए ना भी ऐ समझ लगता बहुत थोड़ी है की कही इन्हों कुछ शब्द ही नहीं है कि शब्द वरती है इन्हों के घटिए पान वास्ते भी एक पासे का सतगुर एक पासे दोनों जहाना का शहनशाह बादशाह ब्रह्म परमेश्वर आप धरती से आया चल के और दूजे पासे ये दो कौड़ी का बंदा लिया के जो बिठाया गया और दो कौड़ी की जनानी जिहड़ी अपने आप नूं उपडेरा मुखी बना के बैठ गई है उपडेरा मुखी बनाउण तों पहला घट्टो घट्ट तू इहदा देख ला वी फिर जिहड़ी साध संगत उहदे दुख सुख भी सुनो फिर फिर उपडेरा मुखी उठ के आउंदी ना हुण और पूरे दे विच उठ के आदि कारवाई नी छाती उठी के करती है फिर साह संगत जी वजाइया करती थी हाँ यदा दुख सुख बना के दुख सुख बनाया साडे महल तीन बंद गोलना लग के आना सी किसी ने किसी ने पूछा नहीं किसी ने 45 मैंबर नी पूछा किसी 45 मैंबर ने उन्होंने पूछा नहीं किसी जिम्मेवार ने नहीं पूछा फिर इना फिर कहने इन्हें तो बहुत सांभ संभाल की सारा संगत की सांभ संभाल की सिर्फ आप दे कपड़े पाने तो बिना आप दा फैशन करन तो बिना आप दे हेयर स्टाइल करन तो बिना इन्हें किया ही है गुरु प्यारी सार संगत जी संगत वास्ते की किया कोई दसे तो सही ना ऐ कहते रहते भी हाँ संगत वास्ते किया कोई दसे कोई काम मैं नहीं कोई एक काम नहीं बना दे भी इन्हें 5 सालों के गुरु पिता जी जाने बाद आ सार संगत का काम किया जेल च आने तो बाद इन्हें की सार संगत का काम किया कदे इन्हें सार संगत को खड़े होके नारा तक तो लाया कदे इन्हें सार संगत के खड़े होके पूछा भी तुहाडा भाई की हाल है तो फिर किहड़े मूंह नाल ये लोके की वड्याई करते किहड़े मूंह नाल लोके नूं सहायता करते हैं ते किहड़े मूंह नाल लोक जिहड़े हैगे इहनूं इन्ना हुण रब मन के बैठे है गुरु प्यारी साहब संगत जी समा जिहड़ा साडे हथों निकल रहा है बहुत तेजी नाल समा जिहड़ा बदल रहा हर रोज दिन आ जिहड़ा जिवें गुरु पिता जी दे वचन उह वी बार बार याद आउंदे जो समा निकल गया वधिया आउण वाला बुरा बुरा आ रहा है जो कुछ यूपी दे विच हो रहा सानू बहुत ज्यादा अलर्ट होने की लोड़ है आप खुद तो अलर्ट होना ही होना जिनी क संगत नूं आप होर अलर्ट कर सकते हैं आप अलर्ट करो जरूरी है ही दुनिया आप क्या करो मतलब कि ये आए ना छुपाओ ना इन गलों को जिन्ना तुसी दस जिथे तुसी बैठो खड़ो जिथे भी तुसी समाज दे विच जाओ जरूर ये चर्चा चलाया करो भी जिहड़ा यूपी दे विच आया वो साडा गुरु नहीं है लोगों नूं दसो जिन्ना तुसी दुनिया नूं दसोंगे दुनिया ये नहीं है जिहड़े मनमुख लोग आ साडी सुणदे नहीं है बहुत लोग सुणदे है ये दुनिया नूं दसो भी किवें इक RSS ने ते BJP ने आपदा एजेंडा जिहड़ा उह फिट कीता होया डेरे दे विच किवें जिहड़े साडे गुरु पिता जी दी इक सोच सी मानस की जात सभे एक पहचान लोग किवें उन्होंने सारे धर्म जात मजहब इकट्ठा करके किवें उन्होंने इंसा बनाया से सानू और किवें लिया के इन्होंने यूपी दे विच एक हिंदूवादी जिहड़ा हैगा बंदा लिया के बिठाता जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ इहनू इह लगदा वी सी जिहड़ा हैगा RSS दा जिहड़ा उन्हां दा मुद्दा है वी हिंदू धर्म दा उहनू सिर्फ पूरा कर रहे कदे भी इह गुरु साहिबानां दी पवित्र गुरबाणी दे विचों कोई शब्द नहीं बोलदे इन्हां दी गल नहीं करदा
गल नहीं करता। सिर्फ तो सिर्फ इन कला इन एक ही है भी मैं जिन्ना प्रचार कर ला मैं हिंदू धर्म का कर ला, पर हिंदू धर्म का प्रचार कर दे इनू ये नहीं पता लग रहा भी जेड़े हिंदू भी तेरे नाल जुड़े हुए ना वह भी नफरत कर लग गए, हिंदू धर्म न भी नफरत कर लग गए। वह कहते जी यहोजा हिंदू धर्म है तो सानू हिंदू धर्म चाहिए ही नहीं है। जो जहा ज्ञान ये लोगों दे रहा है जिस टाइप का ये ऊट पटांग ज्ञान, क्योंकि जेडे बाकी धर्मां दे लोग है जिन्हें असि सिख धर्म नाल संबंधित है असि तो हिंदुओं के कदे वेद इन्ने पढ़े ही नहीं ना पिता जी, तो जिन्ना सुनिया उन्ना की सुनिया ना असि कोई वेद पढ़िया ना ग्रंथ पढ़िया ना ही सानू ए बारे इन्ना ज्ञान है। तो साडे वर्गियां नू भी हुण ऐ लगदा भी इहो जिहा हिंदू धर्म है यह फिर बहुत ही घटिया हिंदू धर्म है। जिस जिस टाइप का हिंदू धर्म ज हिंदू धर्म के ग्रंथों की यह व्याख्या करता जे योजा हिंदू धर्म है फिर तो मैं मानती हूँ भी तो सारी दुनिया तो घटिया धर्म है। प्रचार कर रहे फिर यही जेडे लोग चारे हिंदू धर्म वाले से मैं कई की वह कहें भी योजे थोड़ी साडा धर्म जो जहा यह पेश करी जाता है। मैं तो कहनी हूँ जे हूँ हिंदू धर्म वाले बोलते क्यों नहीं आते धर्म का तो कि जलूस क्ढी जाता है ये कराओ ना 295 का पर्चा किवे सारे हिंदुओं को बदनाम करी जाता है ना इन कुछ किसी गल की समझ है ना इन किसी गल की अकल है। सारे गल शुरू कित होर कर दे खत्म कित होर कर दे सारा जलूस कढ रहा है। गुरु प्यारी साहब संगत जी सावधान होने की लोड़ है सानू बहुत ज्यादा जो पिताई के वचन है होना मास्क ते रहना होशियार चाहिए सानू बहुत ज्यादा होशियार होने की लोड़ है। एहो जा समा आ गया इन्ना घोर कलयुग इन्ना भयानक कलयुग आ गया कि संगत की बहुत ज्यादा वड्डी प्रीख्या जिहड़ी हो रही है। संगत बहुत एहो जी जगह पे आके संगत खड़ी हो गई है कि संगत नूं कोई समझ नहीं लगता। इत्थे सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ी गुरु पिताई दे वचन काम करनगे गुरु पिताई दे वचनां नूं आप याद रखो दिल दे विच दिमाग दे विच और उहनां ते अमल करो। गुरु पिताई दे वचन है भी जदों तुसीं डबल माइंडड हो जांदे जदों तुहानूं कई वारी नहीं पता लगता भी की सही है की गलत है की सच है की झूठ है थोड़े अंदर सब तो वड्डा वकील थोड़ा सतगुर थोड़े अंदर बैठा है अद्धा घंटा घंटा सिमन रूपी फीस भरो जो अंदर आत्मा की आवाज आए उन्हें पकड़ो। गुरु प्यारी साहब संघ जी साडे कोल यही हल है साडा फेसबुक का कोई विश्वास ना करो। असीं नहीं कहिंदे भी तुसीं साडे कहिंदे चलो असीं नहीं कहिंदे भी जे फेसबुक वाले दी टीम कह रही तुसीं उस अनुसार चलो पर घट्टो घट्ट गुरु पिता दे वचनां ते तां चलो ना। गुरु पिता दी पुरानियां वीडियो तुसीं ज्यादा तो ज्यादा वायरल करो गुरु पिता दे पुराने स्वरूप ज्यादा तो ज्यादा वायरल करो गुरु पिता दी पुरानियां वीडियो सत्संगां सुन के उन्हां ते अमल भी करो। ते सब तो वड्डी गल इन्हां वचनां ते जो गुरु पिता दे तुहानूं मैं हुणे मान लो थोड़ा खुद को नहीं कोई पता लगता। मैं बहुत सारी संगत को कई संगत मेरे को फोन आते हैं भी भैन जी असं यूपी जाके आए सानू तो कोई बड़ा फर्क नहीं लग्या क्यों। मैं क्या थानू क्या थोड़ा नेड़े दिखाया गया कहते नहीं जी। मैं क्या नेड़े मिलाया गया कहते नहीं जी। फिर मैं क्या भी दूर तो देख के तहू की अंदाजा हो भी फिर मेरे उन्होंने भी एक ही गल होंगी है भी तुम साढ़े से बेशक विश्वास ना करो आपके सतगुर के जो वचन है पिता जी के जो वचन है भी अद्धा घंटा पौना घंटा घंटा तुम सुबह शाम सिमरन करो ना एकाग्र चित होके ते गुरु नूं पुछो आपदे गुरु नूं पुछो ना जदों पिता जी दे वचन है सब तो वड्डा वकील तुहाडे अंदर बैठा है तुसीं अंदर बैठे सतगुरु नूं पुछो ना। तुसीं बाहर तुहानूं किसे 15 मैंबर ने कहता 25 मैंबर ने कहता 45 मैंबर ने कहा तुसीं चकदे आ उत्थे चले चले जांदे यूपी जां इहनां जो वीडियो ते वीडियो सुन लगदे जां वायरल करदे आ फिर तुहानूं ऐ लगदा भी नहीं सानूं तां फर्क महसूस नहीं हुंदा। जदों तुसीं आपदे गुरु नूं पुछोगे ना तां सतगुर इह हो नहीं सकदा पिता जी किसे गल दा जवाब ना देण। गुरु प्यारी साहब संगत जी मैं नहीं मानदी इस गल सिमन करके अद्धा पौना घंटा सिमन करके गुरु तो पुछो सच्चे दिल नाल यह हो नहीं सकता सतगुर तुहानूं अंदरों कोई जवाब ना देवे। सतगुर जवाब दिंदा है गुरु पिताई दे वचन एक पल दे सौवें हिस्से च असीं तुहाडे तो दूर नहीं हुंदे। जदों साडा सतगुर साडे तो दूर ही नहीं हुंदा फिर सानूं उह मिसगाइड करूगा किवें। उह हर पल हर समय जदों साडे नाल रह रिहा इहदा मतलब असीं उहनूं महसूस नहीं कर रहे उहनूं महसूस नहीं कर रहे उह तो कुछ पुछण
ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਜੋ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬਸ ਵੀ ਆਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਵਚਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਨ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਕੱਢੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਮਲ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਿੰਨ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਡਮ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਡਮ ਬਲੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਥੁੱਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੁੱਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਫੇਥ ਵਰਸਜ ਵਾਡਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਦ ਵਾਂਗੂ ਆਈ ਪੈਰ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਵਰਸਜ ਵਾਡਕ ਦੀ ਟੀਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਵਰਸਜ ਵਾਡਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ
चरणों में प्रार्थना है कि सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए और ये जो ढकोसला सब कुछ चला हुआ है। और वैसे तो उम्मीद नहीं है आज की सरकार से, पर फिर भी क्या है कि ये देश है, इस देश का कोई कानून है और कानून को कानून का मौका देना चाहिए। तो देखते हैं कब तक ये चलता है, और अगर नहीं कुछ होगा तो विकल्प और भी बहुत सारे हैं। तो खैर प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए, और उस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में सबने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, मैं सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।